विदेशी सुपारी के तस्करी के धंधे पर नकेल कसने में गोरखपुर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। धूपगढ़ी से नई दिल्ली भेजी जा रही विदेशी सुपारी को कस्टम विभाग ने सहजनवा इलाके से ट्रक सहित 88 लाख कीमत की इंडोनेशियाई सुपारी बरामद की है। इस संबंध में उपायुक्त गोरखपुर राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि विदेशी सुपारी सहित अन्य तस्करी के सामानों पर निरंतर छापेमारी की जा रही है और कामयाबी भी मिल रही है। सरकार को सालाना करोड़ों की चपत लगाने वाले तस्करों पर पूरी तरह से नकेल कसा जा रहा है। इसी कड़ी में सहजनवा इलाके से मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर छापेमारी की गई है, जिसमें 88 लाख कीमत की इंडोनेशियाई सुपारी बरामद की गई है। उपायुक्त ने बताया कि भारतीय सुपारी के सापेक्ष विदेशी सुपारी सस्ती होती है। सुपारी की तस्करी से सरकार को सालाना करोड़ों रुपए की चपत लगती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उपायुक्त राकेश श्रीवास्तव ने कहा, ये मैडम वो होगी भूटान होते हुए भूटान से भी अच्छी अब वो वही बताएंगे मैम आपकी होगी उम्मीद मैम आपकी वैसे तो रिपोर्ट बताएगा हम लोग आर डी एफ में भेजते हैं वो 15 दिनों के बाद रिपोर्ट आएगी उसमें पता चल लेकिन इसकी काफ़ी बड़ी बड़ी है रेड कलर से इसको कर भी नहीं है इसका यूज़ पान मसाले में ही होगा पान में तो पड़ती नहीं है अभी जब रिपोर्ट आ जाएगी 13 करोड़ मतलब वही 13 से 14 करोड़ का जुगत हो गया है इसमें लगभग सुपारी 13 करोड़ की होगी इसके अलावा भी सिगरेट वगैरह भी है। ऐसा हुआ कि लगभग 4 बजे के करीब सूचना मिली फ़ोन से कि बॉर्डर से सुपारी तस्करी होकर के दिल्ली जा रही है। ऐसे में टीम को गठित किया गया जो कि किसी तरह से उसको सहजनवा में पकड़ी जिसमें लगभग 22,050 किलो सुपारी मिली। इसके साथ ही लगभग 22 लाख रुपए की ट्रक भी थी। 88 लाख रुपए का एक केस बुक हुआ। इसके साथ ही लगभग 13 करोड़ रुपए का सीजर गोरखपुर कस्टम डिवीज़न ने बना लिया। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कस्टम प्रिवेंटिव डिवीज़न गोरखपुर जो है वो किसी भी तरह की तस्करी को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे में कोई भी सामान जैसे कि सुपारी, काली मिर्च, छुआड़ा, सिगरेट या NDPS आइटम जो भी तस्करित होता हो, अगर किसी की भी जानकारी में ऐसा है तो कस्टम विभाग गोरखपुर में संपर्क करके बता सकता है। उसका नाम पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और बदले में उसे आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। सुपारी के अलावा भी अभी हमने हाल ही में सिगरेट पकड़ी लगभग 90 लाख रुपए की। इसके अलावा 35 से 40 लाख रुपए की चरस बस में से बरामद हुई है। साथ ही काली मिर्च और छुहाड़ा वगैरह के बरामद होते हैं। इसके अलावा कैनेडियन मटर आता है जो कि नेपाल से इंपोर्ट होकर के गलत तरीके से भारत में ला करके बेचा जाता है जो कि काफ़ी कम कीमत का होता है लेकिन इंडिया में उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी भी स्मगलिंग होती है। इस तरह से हमने काफ़ी कमोडिटीज़ पकड़ी हैं। साथ ही हम आगे अभियान चला रहे हैं कि हमें प्रीशियस मेटल्स गोल्ड वगैरह भी मिले और लगातार हम लोग संपर्क में मुखबिरों के और ऐसी उम्मीद है जल्दी ही कोई बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होगा। गिरफ्तारी के मामले में इस वर्ष कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका रीज़न ये है कि कोई भी NDPS आइटम जो होता है जैसे कि चरस हुआ, गांजा हुआ, ये सब चीज़ें जब बरामद होती हैं तभी गिरफ्तारी होती है। अभी हमने हाल ही में जो चरस पकड़ी है लगभग 35 लाख रुपए के उसमें गिरफ्तारी इस कारण से नहीं हो सकी वो सार्वजनिक बस से बरामद हुई थी और उसमें कोई भी क्लेमेंट नहीं आया था। इसी तरह से सिगरेट में भी गिरफ्तारी का केस बनता था लेकिन रेलवे स्टेशन से कोई भी वहाँ पर भी मिला नहीं। हालांकि हम जांच कर रहे हैं और जल्द ही सिगरेट का तस्करी करने वाले तस्कर को अपने गिरफ्त में ले लेंगे। इसके अलावा सुपारी, काली मिर्च और छुहाड़े वगैरह जो भी होते हैं इनमें गिरफ्तारी के प्रावधान तब है जब भी कीमत 1 करोड़ या उससे अधिक हो। अन्यथा कोई भी सेंसिटिव कमोडिटी जैसे कि फॉरेन करेंसी, गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स या NDPS जब भी 20 लाख रुपए से अधिक रहते हैं तो उसमें भी गिरफ्तारी करते हैं। NDPS एक्ट में अगर 1 लाख रुपए का सामान रहेगा तो भी हम गिरफ्तारी कर लेते हैं।